कामगार कल्याण मंडल द्वारा 79वें वर्धापन दिवस को मनाया गया। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, जिसमें संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसका उपस्थितों ने लुफ्त उठाया। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल नागपुर विभाग द्वारा 69वां वर्धापन दिन कल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुगम संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल इस साल 70वें साल में पदार्पण कर रहा है। आज तक महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल द्वारा कामगारों के लिए कई कार्य किए गए हैं और आगे भी कामगारों के कल्याण के लिए मंडल कटिबद्ध रहेगा। ऐसा कार्यक्रम के दौरान कामगार कल्याण मंडल के सहायक नंदलाल राठौर द्वारा कहा गया। की आज हा आनंदाचा सोहळा महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ जुलै 1953 पासून ते जुलै 2022 पर्यंत हा 69 वर्षाचा प्रवास या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाने कामगारांच्या सहभागाशिवाय पुढे नेलेला नाहीये, ही एक या ठिकाणी विशेष आपल्याला अवगत करू इच्छितो। आपण महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचा 69वा वर्धापन दिन सोहळा साजरा करतो आहोत। या सोहळ्यानिमित्त सर्वच मान्यवरांना आपण या ठिकाणी निमंत्रित केलेले आहे। नागपूर शहरातील सर्व आमदार खासदार महोदय, सर्व प्रतिनिधी, सर्व नगरसेवक महोदय, कंपनीतले विविध कामगार, कामगार संघटना, कंपनीतले व्यवस्थापक आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आपल्या उपस्थितीने आज आम्ही ती प्रेरणा घेऊन या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या 70व्या वर्षात आम्ही आता पदार्पण करतो आहोत। आपल्या सगळ्यांच्या सहभागाशिवाय, आपल्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य नाही। पुढील काळात नक्कीच आम्हाला प्रेरणा आपल्याकडनं मिळेल, एवढंच मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि माझी भावना व्यक्त करतो आणि आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो। इस दौरान राठौर बोले, 69 साल का सफर महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल ने कामगारों के साथ मिलकर किया है और आगे भी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल सफलता के साथ कामगारों के साथ मिलकर कार्य करेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।